फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल यूनिक और हेल्दी तरीके से आम पन्ना बनाने की रेसिपी। ये देखिए, आप इसे बना के 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन करे पानी के साथ मिलाएं और इन्जॉय करें। गर्मियों में बिल्कुल रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और साथ ही गर्मियों में चलने वाली लू से भी हमें बचाएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने बनाई ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक। यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम आम। ये देखिए कच्चे आम है ये, तो इनको हम छिल लेंगे, काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, इस तरीके से छिल लेंगे। तो इसे आग में भून के बनाया जाता है, लेकिन आजकल शहरों में आग कहाँ मिलेगी, तो हम बनाएंगे इसे उबाल के। तो मैं कुकर में उबालूंगी, इसलिए मैं रफली इसे काट लूंगी। तो चलिए मिलते हैं इसे अच्छे से छिल के और काट के। ये देखिए आम को मैंने काट के ले लिया है, तो इसे अब हम उबालेंगे। उबालने के लिए हम ले लेंगे कुकर और कुकर में हम डाल देंगे ये आम। रफली काट के लिया है मैंने। अब जितना हमने आम लिया है उतना ही हम ले लेंगे इसमें गुड़। तो मैं 200 ग्राम गुड़ ले रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हेल्दी ड्रिंक बना रही हूँ तो इसे और हेल्दी करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गुड़ का। अब डाल देंगे इसमें आधा ग्लास पानी और कुकर को बंद करके इसे 2 सीटी लगा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं 2 सीटी लगा के। मैंने 2 सीटी लगा लिया है। इसे अपने आप ठंडा होने दें, गैस निकलने दें, फिर कुकर को खोलें। तो देखिए ठंडा हो गया, मैंने इसे खोल लिया। ये देखिए आम कितने अच्छे से पक गया, अब गुड़ भी मेल्ट हो गया अच्छे से। तो चलिए इसको एक साइड रख देते हैं, अगली तैयारी कर लेते हैं। अब हम लोग ले लेंगे मिक्सी का एक जग और उसमें हम डाल देंगे कुछ पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बिना पुदीने के भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी कर देगा हमारी ड्रिंक को। साथ ही हम डाल देंगे 15 से 20 काली मिर्च के दाने। साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच भुना हुआ जीरा, ये मैंने भुन के ले लिए। और बस कुछ नहीं करना है, इसे हमें पीस लेना है। तो चलिए इसे ग्राइंड करके मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पीस नहीं रहे थे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें बारीक पीस लेना है। अब हम ले लेंगे एक बोल और स्ट्रेनर, इसमें हम डाल देंगे कुकर में जो हमने आम और गुड़ को पका के रखा था, और साथ ही डाल देंगे ये जो हमने पुदीने के पत्ते को पीस के रखा है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी और अच्छे से जार को घुमा के इसको हम इसमें ले लेंगे और इसे अब हम छान लेंगे। इस तरीके से मैश कर दे, स्ट्रेन हो जाएगा। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जग में पीस के भी ले सकते हैं। ओके, मैंने सारा पल्प जो था मैंगो का वो निकाल लिया इसमें से, और ये थोड़ा सा बच गया तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हम फेंक देंगे। हमारा आम पन्ना बनके तैयार है। इसे आप पानी में मिला के इंस्टेंट सर्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्टोर करने के लिए बना रहे हैं, तो चलिए अगला प्रोसेस कर लेते हैं ताकि हम इसे 1.5 से 2 महीने तक इजीली स्टोर कर सके। ले लेंगे कोई भी कढ़ाई या फ्राई पैन और उसमें हम डाल देंगे ये सारा जूस जो हमने निकाल के रखा था, और इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, लगभग 1/2 चम्मच काला नमक। नमक डाल के अच्छे से इसे बस अब 2 से 3 मिनट इसे उबाल लेना है ताकि ये स्टोर करने लायक बन जाए। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया, आंच को कम कर देंगे, इसे 2-3 मिनट तक उबलने देंगे। तो ये यूनिक तरीका आपको कैसा लगा आम पन्ना बनाने का मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए इसको उबलने देते हैं लगभग 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए पका लिया है और ये हमारा आम पन्ना का कॉन्सेंट्रेट बन के तैयार है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया ये। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा करके इसे आप फ्रिज में बोतल में स्टोर करके 2 महीने तक रख सकते हैं। जब भी मन करे बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए इसको ठंडा होने के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद मैंने इसे बोतल में भर दिया है। बोतल में भर के आप फ्रिज में इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी बनाना हो तो एक गिलास ले लें और उसमें ये डाल दें 2 से 3 चम्मच। थोड़ा सा डाल दें इसमें आइस और ठंडा ठंडा पानी, ऐसे हम गार्निश कर देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते से। तो लीजिए हमारा मज़ेदार आम पन्ना बनके तैयार है। करें बनाएं और इंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी यूनिक यूनिक रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं ऐसी यूनिक रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।